Now next C program display those characters which is available in prime position of a string. Suppose that अगर आपके पास कोई भी string available है तो string के अंदर आपको केवल वही character display कराना है जो prime positions में found हो रहा है. For examples, prime position means whose position number is prime. For examples, arrays like that. तो आपके पास इस टाइप से कोई array के बिना है. इसे array के अंदर जैसे आपको count क्या करना है. इसे two cases होंगे array के respect में. Position of the array और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट एंड इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स. एरे के रिस्पेक्ट में अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग ऑलवेज काउंट करते हैं फ्रॉम जीरो, लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशंस को काउंट करेंगे फ्रॉम वन. क्लियर. सम कैरेक्टर्स लाइक दैट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ P, Q, R, like that, और null. इस केस में अगर एलिमेंट के इंडेक्सेस को लेकर बात करें तो इंडेक्स किस से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग इंडेक्स इज ऑलवेज जीरो. देन नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव. मीन स्ट्रिंग के लिए ऑपरेशन ऑलवेज कैरेक्टर्स के लिए ऑपरेशन किसके बेस पर अप्लाई करेंगे, बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू. लेकिन इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या कराना, केवल वही कैरेक्टर डिस्प्ले कराना जो प्राइम पोजिशन में फाउंड हो रहा है. यहाँ पोजिशन की बात की गई, नॉट अ प्राइम पोजिशन, नॉट अ इंडेक्सिंग. पोजिशन मीन्स हमेशा स्टार्ट किस प्लेस होगा, फ्रॉम वन. फर्स्ट एलिमेंट का पोजिशन क्या रहेगा, ऑलवेज वन. जैसे फर्स्ट एलिमेंट के अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स क्या जीरो, लेकिन अगर पोजिशन की बात करें फर्स्ट एलिमेंट का पोजिशन क्या रहेगा, ऑलवेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. मीन्स पोजिशन और इंडेक्स में जस्ट वन का डिफरेंस है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19. नेक्स्ट वन, इस केस में अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रिंग और एरे गिवन है विद साइज 19, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 19 कैरेक्टर्स. 19 कैरेक्टर्स के केसेस में इस केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्राइम पोजीशंस. तो इस केस में वैलिड पोजीशंस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5. इस केस में प्राइम पोजीशन की बात करें तो प्राइम नंबर क्या है, इस केस में 2 इज अ प्राइम नंबर. तो इस केस में सेकंड पोजीशन में जो भी कैरेक्टर अवेलेबल, उस कैरेक्टर को आपको डिस्प्ले कराना है. नेक्स्ट प्राइम पोजीशन क्या है, मीन्स प्राइम पोजीशन इज नथिंग बट प्राइम नंबर्स. 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 भी कंसिडर क्या हुआ, मीन्स 3 भी डिस्प्ले हुआ इस केस में. नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, मीन्स 2, 3, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या है, 9, सॉरी 8, 9, 10, 11, 11 के बाद 13, 13 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 17, 19 एंड सो ऑन. आपको इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन क्या है, 19. 19 के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, 23 एंड सो ऑन. तो इस केस में जस्ट 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर. तो मीन्स सेकेंड इंडेक्स पर जो भी इनपुट होगा उस इनपुट को डिस्प्ले कराना, मीन्स आउटपुट में डिस्प्ले क्या होना चाहिए, इसे इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट डिस्प्ले क्या होगा, बी. बी इज डिस्प्ले. नेक्स्ट वन थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स का मीन्स 3 पोजीशन कैसा है, प्राइम पोजीशंस. तो इसलिए इस प्लेस पर फाउंड क्या हो रहा, सी. डिस्प्ले क्या कराएंगे, सी इज ऑल्सो डिस्प्लेड. नेक्स्ट टाइम 5, फिफ्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा, ई. देन ई इज ऑल्सो डिस्प्लेड. नेक्स्ट पोजिशन क्या, 7. और 7th पोजिशन में क्या फाउंड हो रहा, जी. तो नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले होगा, जी. नेक्स्ट टाइम क्या, 11. 11th पोजिशन में क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट के. नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले होगा, के. देन 13, 13 इज अ प्राइम पोजिशन. तो 13 पोजिशन में फाउंड क्या हो रहा है, कैरेक्टर एम. इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले होगा, एम. नेक्स्ट वन 13 के बाद क्या, 17. 17 पोजिशन में क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट क्यू. डिस्प्ले क्या हो जाएगा, क्यू. नेक्स्ट टाइम 19, 19 इज ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन 19 के रिस्पेक्ट में आप कहें तो 19 किस टाइप का पोजीशन है, 19 प्राइम पोजीशन. लेकिन प्राइम पोजीशन में फाउंड क्या हो रहा है, एरे मीन्स सॉरी नल कैरेक्टर. मीन्स इस केस में लॉजिकल स्ट्रिंग कंसीडर कब तक हो, अप टू 18. 18 के बाद स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगा. मीन्स इस केस में ओनली क्या डिस्प्ले हुआ, दिस इज द आउटपुट अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट वैल्यूज. क्लियर. इस केस में जस्ट आपको कुछ भी नहीं परफॉर्म कराना है. मीन्स सबसे पहले एक और केस याद रखना, जब बी को डिस्प्ले कराएंगे तो बी के रिस्पेक्ट में इंडेक्स वैल्यू क्या है. मीन्स अगर इसका पोजीशन क्या है, 2, तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1. मीन्स इस केस में बी को एक्सेस करने का पोजीशन, मीन्स अगर इसे एरे का नेम ए है और पोजीशन क्या है, पी. इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, पी से. पोजीशन के रिस्पेक्ट में ट्रेड करेंगे, पोजीशन पी.
पी अगर पास करोगे तो पी का वैल्यू अगर टू है तो टू इंडेक्स में क्या फाउंड होगा, सी, जबकि आपको रिक्वायर्ड क्या है, बी, तो इस प्लेस पर सप्लाई क्या करें, पी माइनस वन। मीन्स अगर आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन के बेसिस पर एक्सेस कर रहे हो देन पोजीशन के बेसिस पर उसका इंडेक्स क्या राइट डाउन करें, पी माइनस वन। सेम है इस केस में भी चेक कर सकते हो, इस केस में सी का पोजीशन थ्री है लेकिन सी का इंडेक्स क्या है, थ्री और टू टू, टू को भी कैसे रिप्रेजेंट करो अगेन, सॉरी, ए ऑफ पी माइनस वन। मीन्स पी इस केस में क्या है, समथिंग पोजिशन वैल्यू। फर्स्ट केस आपको इस केस में परफॉर्म क्या कराना, मीन से सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, लेंथ। मीन से अगेन सबसे पहले आप एक लूप इटरेट करोगे, लूप स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक कराएंगे, फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू एज टू। लूप के केस में मीन से वन आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर क्या है, टू। तो स्टार्टिंग किस प्लेस से कराएंगे, फ्रॉम टू, टू से लेकर कब तक चला हो, जब तक नल नहीं मिल जाता, क्लियर। मीन्स जब तक आपको नल फाउंड नहीं हो रहा, तो इस केस में जस्ट फंक्शन नेम। वन मोर केस, जब भी आपके पास कोई इंडेक्स जनरेट होगा तो इंडेक्स के केस में जैसे नंबर को टेस्ट करेंगे, मीन्स गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं, तो इस केस में जस्ट टू फंक्शंस क्रिएट करूंगा। फर्स्ट फंक्शन का पर्पज क्या रहेगा, चेकिंग द गिवन गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट। मीन्स फर्स्ट फंक्शन के थ्रू ओनली प्राइम नंबर टेस्ट करेंगे, अगर गिवन नंबर प्राइम है देन ओनली अदर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्या अदर फंक्शन के थ्रू जस्ट केवल वही कैरेक्टर डिस्प्ले कराएंगे जो प्राइम पोजीशन में फाउंड हुए। तो सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एज प्राइम, एज प्राइम में मीन्स अगर एज प्राइम में एवरी टाइम, मीन्स जब भी आपको चेक करना है गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, तो सिंपली कॉल क्या कर लेंगे, एज प्राइम यूजर डिफाइंड फंक्शन इन साइड ए फोर। तो इससे रिटर्न, मीन्स इस केस में वो नंबर पास करें जिस नंबर को टेस्ट करना है, इससे रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो। तो इस फंक्शन के केस में रिटर्न टाइप क्या एक्सपेक्ट हो रहा है, आइदर जीरो और वन, जीरो और वन दोनों ही इंटीजर नंबर, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज इंटीजर, फंक्शन नेम एज एज प्राइम। मीन्स अगर मैं सेपरेट कोड प्रोवाइड करा देना आपके लिए इजिली समझना पॉसिबल, अदरवाइज जरूरी नहीं कि आपको टू सेपरेट फंक्शन ही क्रिएट करना चाहिए, आप दोनों ही लॉजिक सिंगल फंक्शन मिक्स कर सकते हो, लेकिन दोनों ही लॉजिक इंडिपेंडेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट लॉजिक सेपरेट फंक्शन के थ्रू मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन। एज प्राइम, एज प्राइम में सप्लाई क्या करोगे, एवरी टाइम नंबर, मीन्स नंबर के पास होगा लाइक दैट, और नंबर का डेटा टाइप क्या यूज करेंगे, इंटीजर, इसलिए आर्गुमेंट टाइप क्या है, इंट। इस केस में चेक क्या करना है, नंबर, मीन्स चेक करना है गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या करा, मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को टेस्ट करना चाहते हो, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, उस पर्टिकुलर केस में टेस्ट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट नंबर एंटर किया मैंने n, तो n को टेस्ट करना, तो n को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर n 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। मीन्स किसी भी नंबर को किसी भी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 0 आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो इस केस में डिविजिबल, मीन्स अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ रिमाइंडर क्या आएगा, 0, अदरवाइज नॉन जीरो। देन अगर इसके साथ रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। देन अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन नेक्स्ट टाइम सेम नंबर को अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, देन किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अप टू इस नंबर को कब तक डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर इसके हाफ से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता, मीन्स अप टू n डिवाइडेड बाई, या मॉड्यूलो के यूज कर रहे होंगे, जस्ट n डिवाइड बाई n y 2, n y 2 इज देयर हाफ वैल्यू। इन सभी केस में डिवाइड करके चेक करेंगे, क्लियर, इस अप टू दैट प्लेस। नेक्स्ट वन, इस केस में फॉर एग्जांपल अगर नंबर 11 है, तो 11 के केस में 11 का हाफ क्या आएगा, जस्ट 5। तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, इंटीजर डिवीजन के अकॉर्डिंग, क्लियर, यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इस केस में चेक करो, इस केस में फर्स्ट टाइम नंबर किससे डिवाइड करोगे, 2 से, देन 3 से, देन 4 से, अप टू एन डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में डिवाइड करने के लिए एक सीरीज के फॉर्म में डेटा जनरेट हो रहा है, और सीरीज वाले मैनेज किससे करें, यूजिंग फॉर लूप। तो इस केस में जस्ट मैंने राइट डाउन किया सम वेरिएबल आई, आई के किस में इनिशियलाइजेशन किससे करा हुआ, जैसे सीरीज में फर्स्ट वैल्यू क्या हो रहा है आपको, 2, इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किससे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 2। 2 यहाँ क्या, जस्ट पोजिशंस, मीन से जिस नंबर से बार बार चेक करोगे, गिवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से डिवाइड हो रहा है, लाइक दैट। देन प्लस ऑपरेशंस परफॉर्म कब तक कराना है, कब तक परफॉर्म कराना है, जब तक आई का वैल्यू, आई क्या, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, 2, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, 3, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, 4,
नेक्स्ट टाइम इज फाइनली लास्ट केस में आई का वैल्यू क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आई इज 5. तुम इसे कब तक चलाना, जब तक आई का वैल्यू एन डिवाइडेड बाई 2 से छोटा है या इक्वल है. मीन्स व्हाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू एन बाई 2. एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट कितने से कराएंगे, 1 से. मीन्स किसी भी नंबर को चेक कैसे करते हैं, या प्राइम फंक्शन में आपको ऑलरेडी फंक्शन के केस में क्रिएट करा चुका हूँ, फिर भी मैं सेम फंक्शन अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अगर आपको इस ऑपरेशन में कोई कन्फ्यूजन है ना, प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं ड्यूरिंग फंक्शंस और ड्यूरिंग लूप्स. मैंने सेम प्रोग्राम लूप के केस में बनवाया था और सेम प्रोग्राम मैंने फंक्शंस के फॉर्म में बनवाया था, क्लियर. तो इसलिए मैं डायरेक्टली कोई डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा इन दैट केस. इसके जस्ट बाद एवरी टाइम परफॉर्म क्या करेंगे, इफ चेक करोगे एवरी टाइम नंबर को डिवाइड किससे करेंगे, आई वैल्यू से. इफ मीन्स आई को नंबर को आई से डिवाइड करने पर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, आइदर जीरो और नॉन जीरो. अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है, नंबर कहीं ना कहीं आई के वैल्यू से डिवाइड हो रहा है. मीन्स प्राइम नंबर कब होता है, अगर ये नंबर नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी भी अदर वैल्यू से डिवाइड होता है, तो अदर रिमेनिंग अदर वैल्यूज क्या है, दैट 1. अगर इनमें से किसी भी वैल्यू से डिवाइड होता है देन नंबर कैसा, नॉन प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम. यानी अगर ये कंडीशन 2 हो रहा है इसका मतलब क्या, नंबर किसी थर्ड वैल्यू से डिवाइड हो रहा हो, थर्ड वैल्यू से डिवाइड हो रहा है देन इमीडिएटली आप रिटर्न करा सकते हो, या बोल सकते हो नंबर इज नॉट प्राइम, देन रिटर्न क्या करा दोगे, 0. अदरवाइज अगर कंट्रोल लूप से बाहर आ चुका है इसका मतलब क्या है, इस नंबर आई के किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ है. अगर किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब नंबर कैसा है, प्राइम और नॉट प्राइम, नंबर इज प्राइम. अगर नंबर प्राइम है देन रिटर्न क्या कराएंगे, 1. इस फोर लूप के अंदर इफ क्या, इफ इज पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ 4 और रिटर्न स्टेट में रिटर्न 0 किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इफ. लेकिन ये रिटर्न 1 क्या है, आउटसाइड फोर लूप, क्लियर. मीन्स इस फंक्शंस को जस्ट इंप्लीमेंट करने का पर्पज क्या है, इसे जब भी आपको चेक करना है गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, एवरी टाइम कॉल क्या कर लेंगे, इज प्राइम फंक्शन, नथिंग एल्स. नेक्स्ट वन. अब इसके साथ फाइनली आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेन पर्पज क्या था, प्राइम फंक्शन क्रिएट करना या कैरेक्टर प्राइम पोजीशन वाले कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना. मेन पर्पज क्या है, डिस्प्लेइंग दोज कैरेक्टर विच इज अवेलेबल इन प्राइम पोजीशंस. तो एक और फंक्शन क्रिएट करना है उसके, इसमें जस्ट इसके बाद ही क्रिएट करोगे नीचे इन दैट केस. नेक्स्ट फंक्शन के केस में रिटर्न क्या कराना, नथिंग. इसलिए रिटर्न टाइप यूज करो, मैं एज अ वॉइड फंक्शन नेम एज प्रिंट प्राइम. देन इसके अंदर सप्लाई क्या करोगे, स्ट्रिंग, क्योंकि ऑपरेशन से अप्लाई किसके लिए कराना है, स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग एस और ए लाइक दैट. नेक्स्ट वन. इसके इसमें जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, जो भी आपके पास स्ट्रिंग अवेलेबल है, जो भी एरे पास किया है, एरे के सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट बीट करेंगे, लेफ्ट टू राइट बीट करेंगे. लेकिन लेफ्ट टू राइट बीट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पोजीशंस के रिस्पेक्ट में. और पोजीशन का फर्स्ट पोजीशन क्या है इसके इसमें, 1. लेकिन आपको पोजीशन वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट किससे करोगे, 2 से, क्लियर. देन और जब भी कोई एलिमेंट एक्सेस करें तो एलिमेंट किससे एक्सेस करो, पोजीशन के थ्रू, पोजीशन माइनस 1. किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स एनी टाइम क्या है, पोजीशन माइनस 1. जैसे अगर आपको 8th पोजीशन वाले एलिमेंट का इंडेक्स चेक करना है तो उसका इंडेक्स क्या है, 7. 8 माइनस 1 इज 7, क्लियर. नेक्स्ट, तो इसके इसमें पोजीशन क्या रहेगा, इसे लूप कब तक चलाना है, जब तक पोजीशन वैल्यू में या पोजीशन के प्लेस पर नल नहीं मिल जाता, क्लियर. देन फोर लूप, एक सेपरेट वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर पी सिमिलर टू वेरिएबल आई. देन फोर लूप के अंदर पी का इनिशियलाइजेशन किससे कराओगे, जस्ट 1. ये लूप कब तक चलाना है, जब तक पोजीशन के किस में, पोजीशन माइनस 1. मीन्स पोजीशन अगर 19 है तो इसका इंडेक्स क्या है, 18. 19 माइनस 1 इज 18. तो 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज क्या करूँगा, जस्ट पी माइनस 1. मीन्स एरे ऑफ, और इसे एरे का पॉइंटर मैंने यूज किया है एस, इसलिए यूज करोगे एस ऑफ पी माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू नल. जब तक मीन्स इस पर्टिकुलर प्लेस पर नल फाउंड नहीं होता तब तक लूप कंटिन्यू रहेगा, एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से. अगर मैं इस फोर लूप के अंदर डायरेक्टली प्रिंट कराता हूँ प्रिंट एफ, इसे लूप सभी एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर स्ट्रिंग के अंदर 5 कैरेक्टर, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 टाइम. अगर मैं डायरेक्टली कैरेक्टर डिस्प्ले कराता हूँ लाइक दैट परसेंट सी देन एस ऑफ पी माइनस 1, एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, पी माइनस 1 से.
इन दैट केस वन मोर थिंग्स, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से कराना, वन से या टू से? टू से, तो इनिशियलाइजेशन किस प्लेस से करेंगे? टू से, क्योंकि वन इस केस में प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप डायरेक्टली डिस्प्ले कराओ देना इस केस में सारे के सारे कैरेक्टर डिस्प्ले हो, जबकि डिस्प्ले क्या करा, कौन से कैरेक्टर कराना है कि सबसे पहले कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में पोजिशन चेक करो, पोजिशन मीन्स वैल्यू ऑफ पी, अगर पी प्राइम नंबर है देन ओनली आपको डिस्प्ले कराने की नीड है। तो इस केस में डायरेक्टली प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले ना करा के इस केस में इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ पी इज अ प्राइम, प्राइम चेक करने के लिए यूज क्या कर लो, जस्ट कॉल क्या करा लेंगे, इज प्राइम फंक्शन, इज प्राइम, और इज प्राइम एवरी टाइम चेक किस करना है, वैल्यू करेंट वैल्यू ऑफ पी, अगर पी का करेंट वैल्यू प्राइम है देन क्या आएगा इस फंक्शन से, ट्रू, अगर ट्रू आ रहा है देन इस केस में डिस्प्ले क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ पी माइनस वन, अगर p का वैल्यू नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम के केस में रिटर्न क्या करेगा, जीरो, जीरो केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए देन प्रिंट नथिंग, क्लियर, देन लूप। इस लूप के अंदर प्रिंट एप के थ्रू सारे के सारे कैरेक्टर वन बाई वन डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन वन बाई वन सारे कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं, केवल वही कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे जिसका पोजीशन वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर, और ये पर्टिकुलर प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैंने डायरेक्टली लॉजिक्स राइट डाउन करके एवरी टाइम कॉल क्या करा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है प्राइम, देन क्लोज दिस फंक्शन, देन फाइनली इस प्लेस पर जस्ट आप टेस्ट क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड क्या करेंगे, मेन फंक्शन, मीन्स इसके साथ फाइनली मैंने टू यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए सेपरेटली, इज प्राइम और प्रिंट प्राइम, मीन्स टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को क्रिएट करने का मेन पर्पज क्या है, सेपरेटिंग द लॉजिक्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, मीन्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैंने जस्ट लॉजिक को सेपरेट किया है। इसे प्रिंट प्राइम फंक्शन का वर्किंग क्या है, प्राइम पोजिशन वाले कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना, और इज प्राइम फंक्शन का वर्किंग क्या, चेकिंग गिवन पोजीशन इज प्राइम और चेकिंग गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, क्लियर। एंड फाइनली टेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन फंक्शन वॉइड मेन, इस मेन के अंदर सबसे पहले रिक्वायर्ड एरे और स्ट्रिंग क्रिएट करें विद मैक्सिमम साइज एस 100, देन रीडिंग इनपुट्स गेट्स ए, देन जस्ट इस केस में मुझे सारे के सारे वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराना, डिस्प्ले क्या कराना, ओनली प्राइम पोजीशन वाले कैरेक्टर, प्राइम पोजीशन वाले कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए ऑलरेडी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर चुका है जब प्रिंट प्राइम, इस प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे, प्रिंट प्राइम, सप्लाई क्या करो, वो एरे पास करोगे जैसे एरे के एलिमेंट प्राइम पोजिशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले कराना सफिशियंट है। इस फाइनल इस केस में थ्री फंक्शन हैं, इज प्राइम, प्रिंट प्राइम और मेन फंक्शंस, क्लियर। देन इस पर्टिकुलर लॉजिक्स के बेसिस पर कैरेक्टर के प्राइम पोजिशन वाले एलिमेंट डिस्प्ले कराना पॉसिबल होगा।